नमस्कार दोस्तों, अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की संभावना जता रही है। वहीं इसी बीच खबर आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। घर के आसपास किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी गई है। दरअसल सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उन्हें धमकियां मिली थी, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि उनका भी वही हश्र होगा जो मारे गए गायक सिद्धू मूसेवाला का हुआ था। ऐसे में अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में एक बार फिर से मुंबई पुलिस चौकन्ना हो गई है और अभिनेता के घर के बाहर भारी सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच अच्छे संबंध थे। इसलिए जब से सलमान खान को धमकियां मिलना शुरू हुई, तब से बाबा सिद्दीकी चिंता व्यक्त करने और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने में सबसे आगे रहे थे। ऐसे में सबके शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अटकी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि शायद इन कारणों से भी बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई हो और इसी के मद्देनज़र सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी शाहरुख खान और संजय दत्त सहित कई बॉलीवुड सितारों के करीबी माने जाते थे। बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी इस साल फरवरी में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अजीत पवार की NCP में शामिल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, देर रात उनकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद बॉलीवुड ही नहीं पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा हुआ है और अब दोस्तों सलमान खान की सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है, उनके घर के आसपास किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। आपको पूरी जानकारी आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।